नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश गुप्ता एडवोकेट स्वागत करता हूं आपका नॉलेज सूत्रा यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा लीगल टॉपिक है अडॉप्शन इन हिंदू लॉज। इस वीडियो से आपको अडॉप्शन रिलेटेड हर वो जानकारी मिलेगी जो एक अडॉप्टिव पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो अडॉप्शन एक ऐसा लीगल प्रोसेस है जिसके थ्रू अडॉप्टिव पेरेंट्स और अडॉप्टिव चाइल्ड के बीच एक आर्टिफिशियल रिलेशन, यस आर्टिफिशियल बट परमानेंट रिलेशन क्रिएट होता है। आफ्टर अडॉप्शन अडॉप्टिव पेरेंट्स और अडॉप्टिव चाइल्ड के बीच में बायोलॉजिकल पेरेंट्स यानी असली माँ बाप वाला रिश्ता बन जाता है। किसी बच्चे को अडॉप्शन में लेने देने से पहले कुछ एक लीगल कंडीशंस होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इन लीगल कंडीशन की वायलेशन या अनदेखी से अडॉप्शन इनवैलिड हो जाती है और अडॉप्टिव पेरेंट्स और उस अडॉप्टिव चिल्ड्रन के बीच में किसी तरह का रिलेशन, माँ बाप वाला रिलेशन क्रिएट नहीं होता। तो क्या है ये लीगल कंडीशंस, आइए जानते हैं। नंबर एक, कोई भी मेजर पर्सन चाहे वो मेल है या फीमेल है किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, पर कोई माइनर किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता। नंबर टू, अगर अडॉप्टिव पर्सन मैरिड है तो उसे अडॉप्शन से पहले अपने हस्बैंड या वाइफ की भी परमिशन लेनी होती है। मतलब कि एक अकेला हस्बैंड या एक अकेली वाइफ कोई अडॉप्शन नहीं कर सकते हैं। नंबर थ्री, बच्चे को उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स यानी उसके असली माँ बाप ही अडॉप्शन में दे सकते हैं। असली माँ बाप के अलावा और कोई रिश्तेदार बच्चे को अडॉप्शन में नहीं दे सकते। इसके अलावा बच्चे को अडॉप्शन में देने के लिए उसके दोनों पेरेंट्स यानी माँ और बाप दोनों की सहमति की ज़रूरत होती है। नंबर चार, किसी बच्चे को 15 ईयर्स की एज तक ही अडॉप्शन में लिया या दिया जा सकता है। अगर किसी बच्चे की एज 15 ईयर से ज़्यादा है तो उसे अडॉप्शन में नहीं ले सकते। नंबर फाइव, किसी बच्चे को सिर्फ एक बार ही अडॉप्शन में दिया जा सकता है। मतलब कि किसी अडॉप्टिव चाइल्ड को दोबारा से फिर अडॉप्शन में नहीं दे सकते हैं। नंबर सिक्स, अगर अडॉप्टिव चाइल्ड मेल है तो अडॉप्टिव पेरेंट्स के कोई अपना या अडॉप्टिव बेटा, पोता या पड़पोता नहीं होना चाहिए। अडॉप्शन के बाद हो सकता है पर अडॉप्शन के टाइम पे नहीं होना चाहिए। नंबर सात, इसी तरह अगर अडॉप्टिव चाइल्ड फीमेल है तो अडॉप्टिव पेरेंट्स का कोई अपना या अडॉप्टिव बेटी या पोती नहीं होनी चाहिए। अडॉप्शन के बाद हो सकती है पर अडॉप्शन के टाइम पे नहीं होनी चाहिए। नंबर एट पॉइंट है, अगर अडॉप्टिव पर्सन मेल है और सिंगल पेरेंट है और अडॉप्टिव चाइल्ड फीमेल है तो दोनों की एज में 21 ईयर से ज़्यादा का गैप होना चाहिए। सिमिलर कंडीशन है अगर अडॉप्टिव पर्सन फीमेल है और सिंगल चाइल्ड है और अडॉप्टिव चाइल्ड मेल है तो दोनों की एज में 21 ईयर से ज़्यादा का गैप होना चाहिए। मतलब एक सिंगल पेरेंट ऑपोजिट सेक्स के चाइल्ड को उसी समय अडॉप्ट कर सकता है जब वो अडॉप्टिव चाइल्ड की एज से 21 ईयर्स ज़्यादा बड़ा हो। नंबर नाइन, एक बार अडॉप्शन के बाद उसे तोड़ा या कैंसिल नहीं किया जा सकता। ना तो अडॉप्टिव पेरेंट्स अडॉप्शन को कैंसिल कर सकते हैं और ना ही अडॉप्टिव चाइल्ड अडॉप्शन को छोड़कर अपने असली पेरेंट्स के पास वापस जा सकता है। नंबर टेन और लास्ट कंडीशन है, किसी बच्चे को अडॉप्शन में लेने के लिए पैसों या गिफ्ट का लेन देन नहीं किया जा सकता। अडॉप्शन के बदले पैसे या गिफ्ट का लेन देन क्रिमिनल ऑफेंस है जिसमें 6 मंथ्स तक की सज़ा या फाइन या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा आप अडॉप्शन को रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। इसका प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाते हैं। अडॉप्शन का लीगल डॉक्यूमेंट इस बात का प्रूफ होता है कि आपने जो अडॉप्शन किया है उसमें किसी भी लीगल कंडीशन की वायलेशन नहीं है और आपकी अडॉप्शन पूरी तरह से वैलिड है। तो व्यूअर्स,
अगर आप भी अडॉप्शन के टाइम इन लीगल कंडीशंस को पूरा करते हैं तो कभी भी आपकी अडॉप्शन इनवैलिड नहीं होगी। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। अडॉप्शन के बाद अडॉप्टिव पेरेंट्स और अडॉप्टिव चाइल्ड के विरासत या इनहेरिटेंस रिलेटेड राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपको बताएंगे इस टॉपिक के अपने अगले वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।